हेलो फ्रेंड्स, इस हेल्थ अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आप सब आम तो खाते ही हैं और ये गर्मियों का फल माना जाता है, लेकिन आम की कई किस्में होती हैं। इसमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा और अल्फोंसो आदि शामिल है। आम की कई किस्म स्वाद और गुणों के कारण काफ़ी मशहूर है। फलों के राजा आम का सेवन आप कई तरह से करते हैं। वहीं इन दिनों एक और आम चर्चा में है, जिसे मियाजाकी आम कहा जाता है। और इस मियाजाकी आम की काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया में सबसे महंगी आम की किस्म है। इसे ताइयोनो टोमोगो या फिर एक्स ऑफ सनशाइन के नाम से बेचा जाता है। आम की अन्य किस्में पीले रंग की होती है, लेकिन इसका रंग गहरा लाल होता है। इसका आकार डायनासोर के अंडे की तरह दिखता है। ये आम जापान में उगाया जाता है। मियाजाकी आम का नाम जापान के एक शहर मियाजाकी के नाम पर रखा गया है, जहां इस फल को मुख्य रूप से उगाया जाता है। इस एक आम का वजन करीबन 350 ग्राम होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन और फॉलिक एसिड जैसे गुण होते हैं। इसमें शुगर 15% या उससे थोड़ा अधिक होता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस किस्म की खेती के लिए तेज धूप और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, और ये फल अगस्त और अप्रैल के महीनों के बीच होता है। ये जापान में बिकने वाला सबसे महंगे फलों में से एक है। रिपोर्ट के अनुसार इस किस्म की शुरुआती कीमत 8,600 रुपये प्रति किलो है। ये आम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 2,70,000 रुपये किलो तक भी बिका है। अन्य देशों में निर्यात किए जाने से पहले इन आमों की सख्त जांच और परीक्षण भी किया जाता है। ये किस्म जापान, थाईलैंड, फिलीपींस और भारत में उगाई जाती है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बागवानी में काम करने वाले लोगों ने इस तरीके के आम की किस्म को उगाया है। दुनिया भर में उपलब्ध आम की अन्य महंगी किस्मों में कोहिनूर आम भी शामिल है। ये भारत के सबसे महंगे आमों में से एक है। इसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उगाया जाता है। ये भी 1500 रुपये प्रति पीस तक बिकता है। रिपोर्ट की माने तो इस किस्म को पहली बार 18वीं शताब्दी में उगाया गया था, लेकिन यह आम खास करके आपकी सेहत को कई तरीके के फायदे दे सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस आम की किस्म के बारे में क्या लगता है, यानी कि मियाजाकी आम के बारे में जानकर और इसके गुणों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर अधिक से अधिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मिलता हूं नए अपडेट के साथ।